अगर आप एक डॉग लवर है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ वाले बेल के आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। दोस्तों आज हम पिटबुल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पिटबुल को अमेरिका में नहीं बल्कि इंग्लैंड में डेवलप किया गया था 19th सेंचुरी में। दोस्तों ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग को टेरियर के साथ क्रॉस किया गया था जिससे पिटबुल ब्रीड का जन्म हुआ। 1991 में इसको इंग्लैंड में बैन कर दिया गया। दोस्तों पिटबुल को आज भी काफ़ी प्लेसेस पर बैन किया गया है। जब भी किसी डेंजरस ब्रीड की बात होती है तो सबसे पहले पिटबुल का ही नाम आता है, पर पिटबुल को डेंजरस खतरनाक ब्रीड कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर आप पिटबुल को बचपन से ही अपनी फैमिली का मेंबर बनाकर रखोगे तो वो आपकी फैमिली के मेंबर की तरह ही आपके साथ रहेगा, आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं करेगा। अगर आप पिटबुल या किसी भी ब्रीड को उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करोगे तो दोस्तों उसकी भरपाई तो आपको भी करनी ही पड़ेगी। पिटबुल गार्ड डॉग बहुत ही अच्छा डॉग है। पिटबुल को बचपन से ही दूसरों जानवरों के साथ सोशलाइज जरूर करवाइए ताकि वो किसी भी एनिमल को या किसी भी दूसरे डॉग को हार्म ना करें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो दोस्तों वो दूसरे एनिमल्स को और दूसरे डॉग पर अटैक कर सकता है। दोस्तों पिटबुल के एयर नीचे को झुके होते हैं लेकिन कुछ ऑनर्स अपने पिटबुल के एयर करवा देते हैं। दोस्तों आज दुनिया में सबसे ज़्यादा पाली जाने वाली ब्रीड पिटबुल ब्रीड है। दोस्तों पिटबुल का बाइट प्रेशर बहुत ही ज़्यादा होता है और इनके लॉकिंग जो होते हैं, जो एक बार किसी चीज़ को पकड़ लें तो दोस्तों छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पिटबुल को आज भी गैर कानूनी तरीकों से कई जगहों में फाइट करवाई जाती हैं जो कि दोस्तों बहुत ही गलत बात है। दोस्तों आज के टाइम में पिटबुल को बहुत ही अग्रेसिव एंड डेंजरस डॉग समझते हैं, लेकिन 18th सेंचुरी में पिटबुल को नैनी डॉग कहा जाता था और पेरेंट्स ट्रस्ट करते थे कि पिटबुल कभी भी बच्चों को हार्म नहीं करेगा। जो लोग दोस्तों पिटबुल की फाइट कराते हैं वो लोग बोलते हैं कि पिटबुल को पेन नहीं होता, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल ही गलत बात है। पिटबुल को भी पेन होता है बाकी डॉग्स की तरह, लेकिन जो उनके ओनर्स उनको बोलते हैं वो बहुत ही शिद्दत से करते हैं, बहुत ही ईमानदारी से करते हैं और वो पेन फील नहीं करते। दोस्तों पिटबुल डॉग को मैं अपनी फैमिली का मेंबर की तरह पाले, वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं है, बिल्कुल भी हार्म नहीं है और बहुत ही अच्छी ब्रीड है। हम लोग इस प्यारी ब्रीड को फाइट में लगाकर दोस्तों ख़राब कर रहे हैं। दोस्तों हम इस पिटबुल डॉग को बहुत बदनाम कर चुके हैं बिकॉज ये फाइट में लगकर अपने ही ओनर्स को काट लेती हैं। तो दोस्तों प्लीज़ पिटबुल डॉग को फाइट मत कराइए, बहुत ही अच्छी गार्ड डॉग है, आप इसको प्यार से घर में रखें, आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुँचाएगी। दोस्तों वीडियो में बस इतना ही था, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर करिए फ्रेंड के साथ और कमेंट कीजिए आप नेक्स्ट वीडियो किसके बारे में जानना चाहते हैं, कौन सी ब्रीड के बारे में जानना चाहते हैं, हम उसी पर वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।